नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखिए कि आज मैं क्या बना रही हूं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज मैं बना रही हूं मिर्च के पकौड़े। तो मिर्च को मैं अच्छी तरह से धो ली हूं, तो इसके पानी सभी को मैं हटा देती हूं। और इसे काट लेती हूं। तो इसे इस तरह से पीछे से पहले हटा देंगे इस डंडी को। इस तरह से निकाल देंगे डंडी को और इसे बीच से इस तरह से, देखिए कोई बीज नहीं है, तो ये जो बीज दिख रहा है इसको हटा देते हैं। इस तरह से सभी को कर लेते हैं। ये बीज हटा दिए हैं। इस तरह से सभी को मैं कर लेती हूँ। इन सभी को मैंने इस तरह से होल सा कर दिए हैं। चलिए बेसन को मैं घोल लेती हूँ। चलिए बेसन को चाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये चाल लिए, मिर्च आधी चम्मच, हल्दी 3/4, गरम मसाला आधा चम्मच, 2 चम्मच धनिया लेंगे और नमक स्वाद अनुसार। तो ये धनिया है 2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। तो सभी को मिक्स कर लेती हूँ। थोड़े से पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। और थोड़ा सा डालूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गिरना चाहिए। दूसरा ये कि पानी में से देखते हैं कि ऊपर आता है कि नहीं। तो ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो बहुत अच्छा से हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है बेसन। गैस जला लेते हैं, तेल गर्म होने देते हैं। पहले इसके अंदर डालती हूँ अच्छी तरह से बेसन को, और ऊपर से भी इस तरह से। अब ऊपर से भी इसे इस तरह से कोटिंग कर देंगे। तो सभी को इस तरह से तैयार कर लेती हूँ, जिससे खाने में अच्छे लगे। इसलिए इसके अंदर डालूंगी मैं बेसन। ऊपर से भी इसे कोटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से सभी को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर चुकी हूँ। तेल गर्म हो रहा है। चम्मच से नहीं उठ रहा था तो मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ। अच्छी तरह से गोल्डन होने तक पकाऊंगी। अभी गैस को मैं स्लो की हूँ क्योंकि हमारा तेल बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए थोड़ा हल्का सा इधर
ये ब्राउन कलर का हो गया है, तो गैस को मैं स्लो के जिससे अंदर से भी पक जाए। इस शाम के समय स्नैक्स की तरह आप चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से मिर्च के पकौड़े बनाए। अच्छी तरह से सभी तरफ से पका लेती हूँ। पक चुका है, निकाल लेती हूँ। औरों को भी मैं बना लेती हूँ। कुछ प्याज को गोल गोल काट ली हूँ, इसे भी मैं तल लेती हूँ। इसे भी मैं बेसन में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मिर्च और प्याज के पकौड़े खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से बीच बीच में देखिए मिक्स हो गया। अब इसे भी तल लूंगी मैं। तो ये भी बन चुका है, इसे भी निकाल लेती हूँ। तो ये पकौड़े बन चुके हैं, प्याज का बना लेती हूँ। इस तरह से छल्ले की तरह गोल गोल। तो ये भी बन चुका है। तो ये भी बन चुके हैं, अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। निकाल लेती हूँ, देखिए काट के दिखा रही हूँ। देखिए ये भी पक चुका है बिल्कुल अंदर से भी, और इसे हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, और मैंने बना लिए हैं सभी को। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।